आप जो ये हरी भरी मिठाई देख रहे हैं, आपने टाइटल देख के तो समझ ही लिया होगा कि ये किस चीज़ से बनी हुई मिठाई है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही मिठाई बहुत ही कम बजट में और बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। आप इस मिठाई को किसी भी ओकेज़न या किसी भी फेस्टिवल पे अपने ही घर पे बनाकर तैयार कर सकते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सागर वंशीज किचन पर। मैं हूँ कविता। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए टिंडे की मिठाई बनाने की रेसिपी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन का बटन ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए टिंडे की मिठाई बनाना शुरू करते हैं। टिंडे की मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले हम 4 मीडियम साइज के टिंडे ले लेंगे। तो ये मैंने 250 ग्राम टिंडे लिए हैं। अब हमें इसे छील लेना है। तो आप ऐसे कटर से इसको छील लें पूरा। अब आपको टिंडे के बिल्कुल बीचों बीच एक होल करना है, बिल्कुल छोटा सा होल आपको करना है। कटर को आप इस प्रकार से इसमें डालें। हमें टिंडे का पूरा गुदा इसमें से निकालना है, इसके बीज वगैरह सब निकाल लेने हैं, इसलिए हम चाकू से यहाँ इसमें एक होल कर रहे हैं। होल कर देने के बाद आपकी अंगुली से इसको निकाल दें। मार्केट में इसका औजार भी मिलता है, लेकिन अभी वो मेरे पास नहीं है, तो मैं अपनी उंगली से सारे बीज और सारा मटेरियल इसमें से निकाल लूँगी। तो किस तरह से मैं यहाँ पर निकाल रही हूँ आप देख लीजिए। और आपको भी बिल्कुल ऐसे ही टिंडे को खाली करना है। बहुत आराम आराम से आप करें, वरना टिंडा कहीं से भी फट जाएगा। तो देखिए, सारे बीज मैंने यहाँ पर खाली कर लिए हैं। बिल्कुल अच्छे से ये टिंडा खाली हो चुका है। अब ऐसे ही हम सारे टिंडे को छील के साफ कर लेंगे और उनके गुदे भी हम यहाँ निकाल लेंगे। टिंडे के गुदे को क्यों निकाला जाता है वो मैं आपको आगे बताऊंगी, तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहिएगा। तो ये हमने चारों के चारों टिंडे यहाँ पर साफ कर लिए हैं, इनके सारे बीज निकाल लिए हैं। अब हम चाशनी बनाएंगे। चाशनी बनाने के लिए सबसे पहले हमने गैस ऑन कर ली है। गैस ऑन करके उस पर कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई में हमने 1 कप पानी डाल दिया है। पानी जब गर्म हो जाए, इसके बाद आप इसमें 1.5 कप के लगभग शक्कर डाल दें और चमचे से इसको चला दें। अब आप इसमें उबाल आने का वेट करें। बार बार आप इसको चमचे से जरूर चलाएं। तो देखिए, उबाल आ चुका है। इसके बाद आप इसमें ग्रीन कलर का फूड कलर जरूर डाल दें। तो 1 पिंच में यहाँ पर कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। इसके बाद 1-1 करके आप इसमें टिंडे को डाल दें।
और चमचे से चला दें। अब हमें इसको अच्छे से पकाना है। टिंडे को आप 15 से 20 मिनट आराम से इसमें पका लें। अब इन्हें हम ढक के रख देंगे। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, लगभग सारे टिंडे पक गए हैं। 2 मिनट के लिए और पका देंगे। अब चेक करेंगे तो एकदम परफेक्ट टिंडे पककर तैयार हैं। इसके बाद एक प्लेट में निकाल लें और ठंडे होने के लिए रख दें। पाँच मिनट के लिए आप इनको ठंडा कर लें। अब हम टिंडे की स्टफिंग के लिए मावा सेकेंगे। तो हमने गैस ऑन करके कढ़ाई रख दी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हम लाइट पूरा होने तक मावे को सेकेंगे। तो मैंने यहाँ पर 100 ग्राम मावा ले लिया है। अगर आप 250 ग्राम टिंडे की मिठाई बना रहे हैं तो आपको 100 ग्राम मावा लगेगा। मावा दो तरह का आता है, गुलाब जामुन का, एक मिठाई का। तो आप मिठाई का मावा केकर ही लाएं। ये थोड़ा मीठा आता है इसलिए आप इसमें बस 2 चम्मच ही शक्कर डालें। 100 ग्राम मावे में आपको ध्यान रखकर 2 चम्मच शक्कर ही डालनी है। अब इसको चला लेंगे अच्छे से, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमें 10 मिनट के लिए इसको पकाना है। लाइट ब्राउन हो जाए तब आप गैस की फ्लेम को ऑफ कर दें। देखिए कलर चेंज हो चुका है मावे का। मैंने इसमें काजू बादाम भी डाल दिए हैं काट के, तो आप वो भी डाल लें। अब एक कटोरी में इसको निकाल लेंगे, टिंडे की स्टफिंग करेंगे। तो स्टफिंग करने के लिए मावा हमने ले लिया है। हाथ पर आप टिंडा रख लें, इसके बाद चम्मच से जो होल हमने टिंडे में किया है उसमें आप मावे को डालते जाएं। थोड़ा थोड़ा करके ही आप स्टफिंग करें। अगर आपको चम्मच से कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो आप अपने हाथ की सहायता से भी स्टफिंग कर सकते हैं। बहुत धीरे धीरे आपको ये प्रोसेस करनी है। जल्दबाजी करोगे तो आपका डिंडा कहीं से भी टूट सकता है और आपकी मिठाई बिगड़ सकती है। ऐसे अंगुली से आप प्रेस कर करके इसमें मावा भरता जाए। तो देखिए टिंडा बिल्कुल भर चुका है। इसके बाद दूसरे टिंडे की स्टफिंग करेंगे, इसको भी पूरा भर देंगे। अब बाकी के बचे हुए टिंडे भी आप ऐसे ही भर दें। ये देखिए सारे टिंडे हमने यहाँ भर दिए। अब दूसरी प्लेट में हम इनको रख लेंगे, मतलब कि सर्व कर लेंगे। इसके बाद बादाम के टुकड़े आप इनके ऊपर रख दें। ये डेकोरेशन कर दिया है हमने टिंडे की मिठाई का बहुत अच्छे तरीके से। इसके बाद कुछ इलायची के दाने भी लगा दें, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लगाएं या नहीं भी लगाएं। ये बहुत ही जल्दी बन जाने वाली मिठाई है,
बस आपको बहुत सावधानी से इसको बनानी होती है। जिसके पास टिंडे की मिठाई बनाने के लिए जो औजार यूज़ में आता है अगर वो है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर जिसके पास नहीं है वो मैंने जैसी ट्रिक बताई है आपको बिल्कुल वैसे फॉलो करके आप टिंडे का सारा गुदा निकाल के ये मिठाई बनाएं। अब हम इस पर थोड़ा सा चांदी का वर्क लगा रहे हैं, उससे मिठाई में और लुक आ जाएगा और बहुत सुंदर लगेगी दिखने में। बिल्कुल हलवाई स्टाइल में हमारी यहाँ मिठाई बनके तैयार हुई है। एक बार अवश्य आप इस रेसिपी को देखकर अपने घर पे ये मिठाई ज़रूर बनाएं और मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और मेरे चैनल पर ऐसे ही बने रहिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।